हेलो एवरीवन बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फिजिक्स के टॉप 50 वन लाइनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये सभी वन लाइनर्स का संबंध प्रीवियस एग्जाम से है। ये प्रीवियस एग्जाम्स में ये एक बार नहीं, कई बार पूछे जा चुके हैं, और ज़्यादातर जो इसमें जो सवाल हैं वो टेक्निकल नहीं होकर के हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। देखिए, जीएस में, जनरल साइंस में जो सवाल आते हैं वो टेक्निकल नहीं होते हैं, मतलब अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो टेक्निकल सवाल नहीं होते हैं, और ज़्यादातर सवाल का संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की, और हमारा जो फर्स्ट वन लाइनर क्या कहता है, ब्लैक होल। आप लोगों ने जरूर सुना हो ब्लैक होल के बारे में, ठीक है ना। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ब्लैक होल का थियरी किसने दिया था, तो इसको, इस थियरी को देने वाले थे एस चंद्रशेखर, ठीक है ना। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, इन्होंने ब्लैक होल का थियरी दिया था। ब्लैक होल के बारे में सबसे बड़ी हैरानी वाली ये बात है कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ से कोई चीज़ पार होकर नहीं निकल सकता है। यहाँ तक कि जो लाइट यहाँ पर पड़ती है, ठीक है ना, वो ब्लैक होल उसको भी मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। या इसका घनत्व इतना ज़्यादा है, और अत्यधिक घनत्व होने के कारण इसके गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, जिसके कारण इससे होकर गुजरने वाली तमाम चीज़ें इसमें समा जाती हैं। तो ब्लैक होल के बारे में मेन चीज़ यही है, और इस सिद्धांत को देने वाले थे एस चंद्रशेखर। चलिए, हम लोग पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। करे कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस तौर पर किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मॉडरेटर मतलब मंदक के तौर पर, मंदक के तौर पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, ग्रेफाइट के अलावा भारी जल का भी प्रयोग मंदक के तौर पर किया जाता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात ना करें तो जो हेवी वाटर है, हेवी वाटर का भी प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में होता है, मंदक के रूप में होता है। इसमें न्यूट्रॉन की गति जो होता है ना, वो धीमी कर दिया जाता है। तो हेवी वाटर का भी प्रयोग होता है मंदक के तौर पर। चलिए, पॉइंट नंबर 3 क्या है, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है, मतलब क्या होता है, ध्वनि का वेग कम होता है, ध्वनि का वेग ज़्यादा हो जाता है। तो जब ताप बढ़ता है ना, तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ठीक है ना। ताप बढ़ने से ध्वनि के वेग में ना वृद्धि होती है। चलिए, पॉइंट नंबर हम लोग 4 में बात करते हैं। एक टीवी में जो रिमोट कंट्रोल होते हैं, जिसको आप हिंदी में दूरस्थ नियंत्रण कहते हैं, लेकिन आप उसको रिमोट कंट्रोल से आप बेहतर समझेंगे, के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। सारांश में कहें तो रिमोट कंट्रोल में कौन सी विकिरण होती है, ठीक है ना, जो कि मतलब दूर से ही वो टीवी को ऑन करने में मदद करती है, तो वह है इंफ्रारेड, ठीक है ना, जिसका हिंदी औरक्त विकिरण, ठीक है ना। रिमोट कंट्रोल में औरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 में। कह रहा है क्या कि प्रकाशिक तंतु, जिसको आप ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना के सिद्धांत पर ये काम करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है, देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है ना बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो काम करते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर का जो फंक्शन है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करने वाला चीज होता है। चलिए, करें क्या, नंबर 6 में ध्वनि की तीव्रता मापने वाला मात्रक क्या है, मतलब कि ध्वनि की तीव्रता को हम किस यूनिट से मेजर करते हैं, मात्रक उसका क्या है, तो डेसीबल, ठीक है ना। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हाई डेसीबल का कोई चीज़ हो रहा है, यानी कि हम लोग अगर सामान्य तौर पर वार्तालाप करते हैं तो ये 40 से 50 डेसीबल होते हैं, और ये 100 से ऊपर वाले डेसीबल वाले जो आवाज़ होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होते हैं, और ये साउंड पॉल्यूशन के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ तक कि 80 से 90 और उसके बाद 100 से ऊपर में जितने भी डेसीबल की साउंड है, वो वायु प्रदूषण को, सॉरी, साउंड प्रदूषण को वो इंडिकेट करते हैं। आमतौर पर हम लोग जो वार्तालाप करते हैं, इसका जो आवाज़ का जो डेसिबल होता है, वो 50 डेसिबल का हो सकता है। चलिए, तो ध्वनि की तीव्रता जो उसकी इंटेंसिटी होती है, वो मापने का मात्रक डेसिबल होता है। अक्सर आप सुनेंगे कि इतना डेसिबल की आवाज़ में आपको म्यूजिक नहीं बजाना है, ना ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, इतना डेसिबल से आप ऊपर में म्यूजिक ना सुने कान में ईयरफोन लगा करके, तो वो क्या होता है, वो आवाज़ की तीव्रता होती है। चलिए, नंबर आते हैं 7 में, प्रकाश वर्ष क्या है। देखिए, प्रकाश वर्ष, हालांकि उसमें वर्ष लगा हुआ है,
लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है ना, इससे दूरी को मेजर किया जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करता है हम उसको वन लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। वर्ष जरूर लगा है लेकिन दूरी का मात्रक है। चलिए, 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना जूल होता है? ठीक है, तो इसका जो जूल का जो मतलब 1 किलोवाट घंटा का मान जो जूल में अगर हम बात करें तो यहाँ ये जूल लिखने की जरूरत नहीं है, 3.6 है ना इंटू 10^6 जूल इसका वैल्यू होता है। ठीक है ना, 1 किलोवाट का जो वैल्यू होता है वो कितना जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10^6 जूल के बराबर होता है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो है ना वो पारसिक है। पारसिक आप दूरी भी कह सकते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। लंबाई की जगह पर सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो वो पारसिक है। ठीक है ना, वो लाइट ईयर से भी ज्यादा होता है। पारसिक का जो वैल्यू होता है वो लाइट ईयर से भी ज्यादा होता है। चलिए आते हैं नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में करके डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। कैसे ऊर्जा परिवर्तन होता है, कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी। आप इसको यांत्रिक ऊर्जा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इंग्लिश में समझे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, ये मैकेनिकल जो एनर्जी होता है वो विद्युत एनर्जी में वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, डायनेमो इसी फंक्शन पर काम करता है। आइएगा नंबर 11 में करके पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? जो मैक्सिमम घनत्व होता है मिनिमम आयतन, आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, घनत्व तो अधिकतम होगा लेकिन जो इसका आयतन होगा ना, यही सवाल को थोड़ा सा उलट दिया जाए कि मतलब कि किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फॉरेनहाइट का मान समान होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फॉरेनहाइट का मान समान होता है, तो वह है -40 डिग्री सेल्सियस। चलिए बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं। नंबर 13 क्या कर रहा है, प्राथमिक कलर प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? ठीक है ना, प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला, ब्लू। ठीक है ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू जो होते हैं वो प्राइमरी कलर कहलाते हैं। इनको प्राइमरी कलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके मिलने से ना सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है। इनके मिलने से सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है, अतः ये प्राइमरी कलर कहलाते हैं। चलिए नंबर पॉइंट नंबर 14 में आते हैं, कैमरे का कौन सा भाग, हम लोग जो कैमरा यूज करते हैं उसका कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो जो कैमरे का जो फिल्म होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा जो कैमरे का जो फिल्म होता है वो आंख की रेटिना की भांति कार्य करता है, यानी कि जो काम आंख की रेटिना का है वही काम कैमरे के फिल्म का है। चलिए नंबर 15 में आते हैं, अगर एक कमरे में चालू फ्रिज रख दे, मतलब फ्रिज को चालू कर दे, सवाल ऐसे भी हो सकता है, तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है ना, अगर हम फ्रिज खोल देते हैं या फ्रिज रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि फ्रिज खुलेंगे ही, तो वैसे अवस्था में कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है ना, कम होने का ऐसा हम लोग सोचते हैं कि कमरे में फ्रिज रखे, फ्रिज में ठंडक है, दरवाजा खोलेंगे ठंडा हवा निकलेगा, तो ये एक ऑर्डिनरी सोच है। अगर इसके फिजिक्स के अगर पॉइंट व्यू से देखा जाए तो कमरे में चालू फ्रिज रख देते हैं और उसको खोलते हैं तो कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं नंबर 16 में, कह रहे कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति जो है ना वो दूर की वस्तु को साफ दिखाई नहीं देता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है ना? तो देखिए बहुत ट्रिकी बात है, दूर की वस्तु वो नहीं देख सकता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा, उल्टा है ना, दूर दृष्टि दोष उसे नहीं कहेंगे, मायोपिया उसका इंग्लिश है। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर का चीज पढ़ने में कठिनाई होती है, दूर का चीज दिखाई नहीं देता है, आप सामान्य तौर पर ऐसे समझे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ट्रिक के आधार पर इसको याद रखना होगा कि दूर का चीज है तो निकट दृष्टि दोष होगा और निकट का चीज है तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है ना, अगर कोई चीज निकट में, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अखबार पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या कोई चीज लिखा हुआ चीज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो उसको जो दोष है वो दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, चलिए कह रहा है क्या नंबर 17 में, कह रहा है बैरोमीटर का रीडिंग रिपार्ट, उसका जो रीडिंग है का एकाएक गिर जाना, यदि बैरोमीटर है उसका जो रीडिंग अचानक नीचे गिर जाए तो ये किस संभावना को प्रदर्शित करता है, ये क्या चीज दिखलाना चाहते हैं? अचानक यदि रीडिंग गिर जाए बैरोमीटर का तो इससे पता चलता है कि आंधी आएगी। ठीक है ना, आंधी का ये संकेत होता है।
अचानक गिर जाना आंधी का संकेत होता है, और लगातार गिरते रहना या ये एकाएक गिर जाना आंधी है, और लगातार गिरते रहना पानी है, वर्षा है, ठीक है ना। अगर लगातार अगर गिरना जारी रहे उसका बैरोमीटर का रीडिंग, तो इससे बोध होगा कि वर्षा होगी, और अचानक गिर जाए तो आंधी होगी। चलिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये टॉप क्लास का ये सवाल है। कह रहे क्या, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल जो रिफ्रैक्टिव जो लेवल है, ठीक है ना, कि दूरी श्रोता से कितनी दूर पर होनी चाहिए, मतलब कि श्रोता कहाँ पर जाकर खड़ा हो जाए उसको इको सुनाई दे, पर है ना, उसको प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सरल भाषा में इको समझें, उसको इको सुनाई दे। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल की दूरी श्रोता से कम, मतलब कितनी दूरी पर होना चाहिए, इसमें आप एक वर्ड जोड़ सकते, कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो वो दूरी है 17 मीटर, ठीक है ना, वो दूरी है 17 मीटर। चलिए 18 के बाद हम आते 19 में। कह रहे कि यदि दो व्यक्ति चांद पर बात करेंगे, ठीक है ना, तो उनकी ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देगी, वे आपस में बात करेंगे लेकिन आपस में जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उनको सुनाई नहीं देगा, ऐसा इसलिए कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, चांद पर वायु नहीं है, और ध्वनि का संचरण करने के लिए है ना कोई माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है ना, उसको कोई माध्यम चाहिए। यहाँ पर पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसलिए अगर हम दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो बात सुनाई देता है, ठीक है। तो चांद पर वायु नहीं होने के कारण दो व्यक्ति जो आपस में बात करते हैं है ना, उनकी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। चलिए, कह रहा है क्या, नंबर 20 में, पॉइंट नंबर 20 में आते हैं, जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का भाग पानी के ऊपर रहता है, और वह है 1/10, और वह है 1/10। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे क्या, गर्म करने जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, गर्म करने पर, ऐसे यहाँ पर छूट गया है, चलिए, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देखा जाए, यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और पदार्थ ऐसा है कि गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ेगा, ठीक है, तो अगर दाब बढ़ा देते हैं तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गलनांक भी बढ़ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ेगा, दाब बढ़ा दिया जाए तो उसका गलनांक भी बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 22 में आते हैं, कोई लाल पदार्थ लाल क्यों दिखाई देता है, क्यों है ना, कोई लाल पदार्थ हमें लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह लाल रंग का परावर्तन करता है, तो जो कलर का परावर्तन होता है वही कलर हमें नजर आता है, ठीक है। चलिए 23 में आते हैं, कह रहे क्या, बरसात के दिनों में रेल इंजन की सीटी की आवाज गर्मी के दिनों की अपेक्षा दूर दूर तक क्यों सुनाई देती है। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए, बरसात में, ये बरसात के दिनों में जो रेल इंजन की जो सीटी होती है वह दूर तक सुनाई देती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ध्वनि का जो गति है वो, मतलब एक होता शुष्क वायु और एक होता आर्द्र वायु, आर्द्र वायु में ज्यादा होता है, शुष्क वायु के मुकाबले आर्द्र वायु में ज्यादा होता है ध्वनि की गति, इसलिए क्योंकि बरसात में तो जो हवा में तो आर्द्रता रहेगा ही, अब जो आर्द्र वायु में जो ध्वनि की जो गति होगी वो ज्यादा होगी ड्राई एयर के मुकाबले, ठीक है ना। चलिए, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझे, यदि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। आइए, मोबाइल का बैटरी है ना किस सेल का उदाहरण है, सेल में दो सेल, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी वो सेल होते हैं, ठीक है ना, जो कि टॉर्च में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सवाल टॉर्च का नहीं है, सवाल है मोबाइल का बैटरी, जो मोबाइल का बैटरी आपने देखा है तो ये किस सेल का उदाहरण है, ये सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। ये सबसे पहले क्या करेगा, सेकेंडरी जो सेल होते हैं वो मोबाइल के बैटरी में आपको वो नजर आएंगे, ठीक है। चलिए 24 का आंसर जो होगा वो द्वितीयक होगा, सेकेंडरी होगा। चलिए 25 में आते हैं, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स, नाम है ब्लैक बॉक्स, ओके, नाम है ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना, प्लेन दुर्घटना में दुर्घटना का कारण जानने के लिए है ना ब्लैक बॉक्स काम करता है, ठीक है। तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन इसका रंग है नारंगी। ये जो ब्लैक, अगर हवाई जहाज का सारा चीज यदि नष्ट हो जाए लेकिन ब्लैक बॉक्स यदि मिल जाए तो उससे हवाई जहाज के दुर्घटना होने का कारण का पता लगाया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि हवाई जहाज की दुर्घटना का पता लगाने में क्या कारगर होता है, तो वह है ब्लैक बॉक्स, एक ही उत्तर है और वह है ब्लैक बॉक्स। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं, कह रहे हैं क्या, 26 में, 100 वाट बिजली का बल्ब
यदि 10 घंटा जले तो कितना यूनिट बिजली खर्च होगा। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं 100, ठीक है ना, और इंटू 10 का आप डिवाइडेड कर दीजिए 1000 से, ठीक है ना, ये सारे कट जाएंगे, यानी कि हमारा जो यूनिट होगा वो 1 यूनिट होगा, ठीक है ना, वो 1 यूनिट होगा। डिटेल इसकी ये किस फॉर्मूला पर ये रखा गया है डिटेल में हम आपको दूसरे वीडियो पर में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोग सिर्फ वन लाइनर की चर्चा कर रहे हैं, जो भी बातें हैं इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, लिख के दिखाना है, ये सारी जो डिटेल वीडियो बनेंगे तो उसमें वो चीज सारे आपको नजर आएंगे। चलिए, धूप के चश्मे का पावर है ना कितना डायोप्टर होता है, तो 0 डायोप्टर, क्योंकि डायोप्टर तो पावर का निशानी है। अब धूप के चश्मे में तो पावर होता नहीं है, वो तो केवल धूप से बचने के लिए लगाया जाता है, तो उसका जो डायोप्टर का वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि जहां डायोप्टर 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो तो कमजोर आंखों वालों के लिए है, ठीक है, क्योंकि जो डायोप्टर होता है वो चश्मे का वो स्ट्रेंथ होता है, वो पावर होता है। तो धूप के चश्मे का पावर कितना डायोप्टर का होता है, तो 0 डायोप्टर का। आइएगा 28 में आते हैं, कह रहे क्या, जब 2 समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है, मान के चलिए कि 2 समानांतर दर्पण है उसके बीच कोई वस्तु रख दी जाती है, तो बनने वाले प्रतिबिंब है ना की संख्या होती है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब इससे जानते हैं, मान लीजिए कि 2, ये आप ऐसा समझिए कि समतल दर्पण है, समानांतर दर्पण है, ठीक है ना, समानांतर है, समानांतर तो ऐसे ही ना होंगे। अब इसके बीच कोई वस्तु रख देते हैं, तो जैसे कि इसका अगर इमेज अगर दूसरे अगर वो मिरर पर बनता है तो दूसरा मिरर तुरंत उसका इमेज अपने सामने वाले मिरर पर बनाएगा, और इस तरह से अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर आते 29 में, जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाए, ठीक है ना, 0 से 10 डिग्री तक पानी को गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर लिक्विड को अगर आप गर्म करते हैं, कोई भी अगर कोई लिक्विड है अगर आप उसको लेके गर्म करते हैं तो क्या होता है, घनत्व में क्या होती है, कमी होती है, आयतन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, आयतन जो होता है वो बढ़ता है ना, कोई भी लिक्विड को अगर आप अगर घनत्व में कमी आएगी उसकी लेकिन आयतन बढ़ेगा। पानी के मामलों में ये बात उल्टा होता है, पहले क्या होता है, पहले आयतन पर क्या होता है, पहले आयतन घटता है और क्या होता है, देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, जल के साथ अगर मैं जल के बारे में बात करूं तो आयतन कम होगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक में आयतन कम होगा, ठीक है, और क्या घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, बढ़ता है, थोड़ा यहाँ ध्यान दिया जाए, घनत्व बढ़ता है। चलिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन कम होता है लेकिन घनत्व बढ़ता है, लेकिन जो ही 4 डिग्री सेल्सियस से बात आगे जाती है, आगे के टेम्परेचर की ओर, 4 डिग्री सेल्सियस इसको डिग्री सेल्सियस समझिए, 40 नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस से जो ही ये आगे जाएगी तो अन्य द्रव की तरह अब वाटर बिहेव करेगा, क्या होगा, आयतन बढ़ेगा और घनत्व तो कम होगा, अब क्या होगा, आयतन जो होगा वो प्लस होगा, आप ऐसे समझिए, और घनत्व अब क्या होगा, तो घनत्व कम होगा यानी कि घनत्व माइनस होगा। तो पहले तो इसका मतलब है कि 0 से अगर 10 डिग्री सेल्सियस में तो 0 से 4 पहले आ गया, तो इस मामले में क्या हुआ, पहले घनत्व, पहले आयतन क्या, पहले आयतन कम हुआ, आयतन कम हुआ तो पहले घटता है और तब जाकर के 4 डिग्री से जब आप 10 डिग्री जाएंगे तो आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। सवाल आयतन के बारे में पूछा गया, घनत्व के बारे में नहीं पूछा गया है, तो पहले घटता है, पहले घनत्व घटता है और इसके बाद सॉरी पहले आयतन घटता है और तब जाकर के बढ़ता है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 30 को लेकर चलते हैं, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, तो वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो इमेज बनते हैं ना वो छोटे बनते हैं और इस कारण से पीछे का एक बड़ा एरिया, आप ऐसा समझिए जो पीछे का आपके जो पीछे का जो बड़ा एरिया है ना वो छोटे से ही वो दर्पण में वो पूरा समा जाता है, वो छोटे से क्षेत्रफल में पूरा समा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो इमेज बनते हैं वो वास्तविक जो रियल इमेज जो रियल पर्सन है या रियल थिंग है ना उसे छोटे इमेज बनते हैं, तो क्या होता है कि ये एक बड़े क्षेत्र का इमेज बनाने में सफल होता है। आपका पीछे का एक बड़ा जो दृश्य है वो आपके उत्तल दर्पण में वो पूरी तरह से दिखाई देगा, ठीक है, तो हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे कार चलाते समय। चलिए आते हैं प्रेशर कुकर में, अगला हमारा पॉइंट है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों, क्योंकि देखिए जब दाब बढ़ेगा, जब प्रेशर कुकर में तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है,
और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से है ना पानी को ज्यादा ताप मिलता है, ताप ज्यादा मिलता है, ठीक है ना, उसको हीट ज्यादा मिलता है। जब क्वथनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ने से, तो पानी को ज्यादा ताप मिलेगा और इसी के कारण प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, ठीक है। तो बढ़ा हुआ दाब है ना क्वथनांक को बढ़ा देता है, और ये जब क्वथनांक बढ़ेगा तो कम समय में भोजन तैयार हो जाएंगे। चलिए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ किस प्रकाश का होता है? तो बैंगनी जो प्रकाश है वो सबसे कम है, और रेड प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। चलिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्यों आसान है? क्यों आसान है समुद्र में तैरना? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, भारी पानी होता है, उसमें नमक मिला होता है, इस कारण से उसके घनत्व ज्यादा होते हैं। घनत्व ज्यादा होगा, पानी भारी होगा, और इस कारण से समुद्र में पाना नदी के मुकाबले स्नान करना ज्यादा आसान होता है। चलिए, या तैरना ज्यादा आसान होता है। 34 में आते हैं, करे कि लोलक घड़िया पेंडुलम जो बात होते हैं गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या होता है कि जब पेंडुलम जो वाच होते हैं ना उनकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जब लंबाई जो नीचे जो टिक 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 ऐसे जो घूमता है ना उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, गर्मी के कारण मेटल भी बढ़ते हैं, लकड़ी वगैरह सबका साइज देखते हैं बढ़ जाते हैं, दरवाजे जल्दी बंद नहीं होते हैं, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। अब कोई चीज लंबा कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि दोलन करने में थोड़ा टाइम बढ़ेगा ही, इसी कारण से लोलक घड़िया गर्मी में है ना सुस्त हो जाती है। चलिए, 35 पॉइंट नंबर 35 क्या करें, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों? देखिए, क्या होता है कि सड़क खुरदर मतलब रफ होता है, उसको खुरदरा कहिए आप, उसमें खुरदरा होता है, सड़क जो है खुरदरा होता है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स पाया जाता है। आप आगे बढ़ेंगे तो अपने पैर को पीछे की ओर ढकेलेंगे, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी तो आपको आगे की ओर ढकेलेगा। चलिए, लेकिन बर्फ क्या होता है ना चिकना होता है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स का अभाव होता है, इस कारण से चिकनी चीज जैसे कि बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम होता है, जबकि जो रोड होता है वो मतलब रफ होता है, खुरदरा होता है, इसमें उसमें फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा चलना उतना ही आसान होगा। तो चलिए, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, माना बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस कारण से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। चलिए, आते हैं 36 में, कह रहे क्या खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों? लाल ही प्रकाश हम रेड लाइट, रेड कोई कलर का चीज ही हम खतरों के संकेत को दिखलाने के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, स्कैटरिंग कम होगा तो फैलेगा कम है ना, और एक जगह ज्यादा रहेगा, इसलिए ये दूर से भी नजर आएगा, क्योंकि इसमें फैलाव तो है नहीं, फैलाव तो मिनिमम है, ठीक है ना, इस कारण से है ना डेंजर का संकेत के लिए रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है, तो स्कैटरिंग कम होने से ये दूर से भी नजर आ जाएगा। चलिए, 37 में आते हैं, पढ़ने के काम में आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? बहुत सारे लोग आप देखिएगा कि कुछ पढ़ते समय वो ग्लासेस लगाते हैं, जब पढ़ाई खत्म हो जाता है तो ग्लासेस रख लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के काम में आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो उसका आंसर है उत्तल लेंस, ठीक है ना। चलिए, चुंबकशीलता परमियाबिलिटी का मात्रक क्या है? ना परमियाबिलिटी का मात्रक क्या है, चुंबकशीलता का मात्रक क्या है? तो उसका मात्रक है हेनरी प्रति मीटर। एक ना एक एक सवाल मात्रक से आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा, मात्रक इकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल है फिजिक्स के तरफ से। चलिए, तो अगला क्या है सवाल कि अपेक्षित आर्द्रता है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर इसको अगर इंग्लिश में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कह रहे क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके। चलिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, हम क्या प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि एक हॉर्स पावर 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट। चलिए, 41 पॉइंट को देखते हैं, कार का एसआई मात्रक क्या है? कार का जो एसआई मात्रक है वो जूल है, ठीक है ना। चलिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई होती है? जो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं है ना, भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं तो पृथ्वी से कितने ऊपर जाकर के वो स्थिर होते हैं? तो उसका जो जवाब होगा है ना 36 × 10³ किलोमीटर, इतना दूरी इतना ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ना एस्टेब्लिश किया जाता है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं नंबर 43 में, कह रहे कि ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए कह रहे क्या भारी मशीनों में का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। भारी मशीनों में किस चीज़ का प्रयोग हम लोग लुब्रिकेंट के तौर पर करते हैं, हैवी मशीनरीज में ना लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। चलिए पॉइंट नंबर 45, अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बना होता है, तो वो उसका नाम है, उस पदार्थ का नाम है जिससे कि परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, उसका नाम है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। चलिए आते हैं 46 में, जिस न्यूनतम संभव तापमान से नीचे किसी द्रव या मैटर का शीतलन नहीं किया जा सकता वह है, और वह है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इससे कोई नीचे का तापमान नहीं हो सकता, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको कहा जाता है परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है कि उससे नीचे है ना अब कोई टेम्परेचर इमेजिन नहीं किया जा सकता है, मतलब कि इस डिग्री से नीचे अब कोई टेम्परेचर नहीं होता है, जबकि ऊपर में अगर हम जाएंगे तो हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस मिल जाएंगे। चंद्रमा के बारे में अगर सूर्य के बारे में अगर आप स्टडी कीजिएगा तो हजारों हजार डिग्री सेल्सियस वहाँ के तापमान है, लेकिन अगर हम माइनस में बात करें कि कहाँ तक कोई तापमान जा सकता है तो वो तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर अथवा परम ताप कहा गया है। चलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा जो गुड कंडक्टर है ना वह है चांदी, जो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है वह है चांदी। चलिए 48 में, तारों का रंग उनके किस चीज़ को दर्शाता है, तो उनके ताप को, तारा का जो रंग होता है वो उनके ताप को दर्शाता है। चलिए 49 में हम लोग हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, भारत में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम केरला में। और 50 जो हमारा पॉइंट है इस वीडियो सेशन का लास्ट पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, विमानों की ऊंचाई माना किस यंत्र से मापी जाती है, अगर कोई विमान अगर आपके ऊपर उड़ रहा है तो कितना ऊपर उड़ रहा है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो अल्टीमीटर से होता है। अल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग हाइट को मेजर करने में करते हैं। तो बच्चों आज के बारे में हमारी इतनी सी बात हुई, हम लोगों ने टॉप 50 फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ों को देखा है जो कि पिछले कई एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये खास महत्व के होते हैं। तो आज की बात बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।